सेक्रेटरी पंचायत हरमुत्ता, सेक्रेटरी पंचायत हरमुत्ता, वीडियो मेंढक, हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, हम लेकर रहेंगे अपना हक, हम लेकर रहेंगे अपना हक। नारे तकबीर अल्लाह हु अकबर। एडवोकेट ग्राम सुल साहब, आपकी क्या क्या डिमांड्स हैं? हमारी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 20/11 को हमने पिछले महीने की नवंबर में हमने एक मेमोरेंडम देखा दिया यहाँ से अपने बीडीओ साहब के थ्रू इलेक्शन सेल में, तो वहाँ से उन्होंने पूंछ भेज दिया। तो आज कम से कम 1.5 महीना हो गया है जनाब। तो हमने उसके बाद 5 तारीख को डीसी साहब के पास भी हम गए, तो हमारा पोलिंग का मसला था, पोलिंग हमारा जो है यहाँ से प्रीवियस जो पोलिंग स्टेशन था यहाँ से शिफ्ट करके दूसरी जगह लेकर गए हैं। उसमें यह है कि वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 4 इनकी पॉपुलेशन मोर देन 500 है, और वार्ड नंबर 7 जो है उसमें यह है कि 120 पोल से है वहाँ पर पोलिंग, जो पोलिंग स्टेशन हजामा का है। तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक और इलेक्शन कमीशन की जो है वो गाइडलाइंस के मुताबिक जहाँ पोलिंग जहाँ कम लोग हैं उनको जो है दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना था, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्टिंग थी यहाँ की बीडीओ ने, सेक्रेटरी ने और जीआरएस ने जो है यहाँ से जो पोलिंग स्टेशन का जो तमाम मतलब यहाँ अमला भेजा उन्होंने, तो उन्होंने कोई रिपोर्टिंग नहीं की और गलत रिपोर्टिंग करके यहाँ से डीसी साहब के पास और इलेक्शन साहब के पास इलेक्शन सेल में भेजी यहाँ से, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि हमारा जो मोर देन 500 पीपल्स जो यहाँ के हैं वोटर हैं वो यहाँ से 2 किलोमीटर जो है वो दूर जाएंगे उस स्टेशन के अंदर। तो हमारी सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि हम बार बार डीसी साहब के पास जा रहे हैं, बार बार हम एसडीएम साहब के पास जा रहे हैं, इलेक्शन सेल में भी जा रहे हैं, तो हमारी कोई बात ही नहीं सुनता है। पीछे से लोग फोन करते हैं, डीसी साहब को फोन करते हैं, बीडीओ साहब को फोन करते हैं, तो उसकी वजह से हमारा कोई भी मसला जो है वो हल नहीं हो रहा है। तो सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं जो वो कंप्लीट होने के बाद बीडीओ साहब ने स्पॉट विजिट दोबारा किया यहाँ पर, उसके बाद डीपीओ साहब को रिपोर्ट भेजी, डीपीओ साहब ने जो है डीसी साहब को रिपोर्ट भेजी, तो फिर भी हमारा जो पोलिंग है वो अभी तक प्रीवियस मतलब स्टेशन पर नहीं गया है। तो हमारी सबसे बड़ी डिमांड यही है कि हम अगर हमारा पोलिंग स्टेशन चेंज नहीं होता है तो हमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं, यहाँ की माएँ बहनें हैं, यहाँ दूर 2 किलोमीटर नहीं जा सकती हैं, और उसके बाद जो है यहाँ खदशात इतने हैं कि यहाँ हर बार इलेक्शन के अंदर लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। तो हम ये समझते हैं कि हमें जो है प्रीवियस स्टेशन ही वापस जो है मिले, तो उसके बाद आपके साथ वो आजी साहब बात करेंगे और ये सब लोग बात करेंगे, गाँव के तमाम पंचायत के लोग हैं यहाँ, तो इनकी बात आप रखेंगे, तो कीजिए आजी साहब बात। जी भाई साहब आपको दिए। सर मैं आजी अयूब पंचायत हरमुता वार्ड नंबर 4 से बोल रहा हूँ कि हमारा जो पोलिंग स्टेशन है ये बहुत